जय अहोई माता की। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अहोई अष्टमी की महिमा इस संगीतमय कथा के माध्यम से। तो ध्यान लगा के सुने। सुनाती हूँ पावन कथा सुनाती हूँ, स्याहू माता की मैं तुमको महिमा बताती हूँ। मैं कथा सुनाती हूँ, सात बहू और एक ननद की व्यथा सुनाती हूँ, भक्तों व्यथा सुनाती हूँ। माता होई की मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा जनों। अनजाने में ननद से ये पाप हो गया, वो बार बार क्षमा प्रार्थना करने लगी, परंतु स्याहू का क्रोध शांत नहीं हुआ। फिर क्या हुआ आगे सुनाती हूँ इस कथा के माध्यम से।
सुनाती लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान।
छोटी बहू संतान को जन्म देती है, पर कोई भी संतान अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाती है। फिर आगे क्या होता है, आइए जानते हैं कथा के माध्यम से। समक्ष बहू क्या कहकर प्रार्थना करती है, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। हाथ जोड़ फिर बहू वो बोली, सुन लो गौ माता, स्याहो माता जी से तुम्हारा बहन का है नाता। मेरी ननद के हाथ हो गया अनजाना अपराध, उसके बदले स्याहो ने दी कोख हमारी बाँध। मुझसे अगर प्रसन्न है तो फिर दो ऐसा वरदान,
सुनाती हूँ। माता होई की तुमको मैं महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ।
बतलाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता होई की मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। कृपा से अंत में सब कुशल मंगल हो जाता है, ऐसा ही आप सभी का जीवन मंगलमय हो। स्याहू माता जी की कृपा जैसे हुई मुझ पर, वैसे स्याहू माँ की कृपा बरसे तुम सब पर। खुले कोख तुम सब की भी है यही कामना मेरी, पूर्ण कर दे स्याहू माता साधना मेरी। स्याहू माँ सिद्ध हमारी सिद्ध होई माँ, सबको दो औलाद स्याहू रहे दुखी कोई ना। श्रद्धा से सब शीश झुकाओ स्याहू माता को, करो होई करो कढ़ाई स्याहू माता की। करके माँ प्रणाम तुम्हें जयकार लगाती हूँ, पावन कथा सुनाती हूँ। माता होई की मैं तुमको महिमा बताती हूँ, मैं कथा सुनाती हूँ। हर विष्णु विधाता मैया जय अहोई माता, जय अहोई माता मैया जय अहोई माता। तुम को निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता।
जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। पाताल बसंती तू ही है शुभ दाता, मैया तू ही है शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। हर विष्णु विधाता।